दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। इससे पहले की जो वीडियो थी वो थी गाड़ी की जो रूफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो रूफ का जो हेडलाइनर है इसे कैसे ओपन करना है। आज की जो ये वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है हम अपनी छत की जो रूफ है इसे डैम्प कैसे कर सकते हैं, डैम्पिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल कौन कौन सा सामान आपके पास होना चाहिए सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, और कैसे आप उसे डैम्प कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए से नीचे के अंदर, मतलब 200 रुपए से भी नीचे कम प्राइस के अंदर आप कैसे अपनी गाड़ी की छत को डैम्प कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तो वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं करता हूं कैमरा स्विच और आपको दिखाता हूं सारा कुछ प्रोसीजर। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, और ये जो फोम है ये फोम यूज होगा गाड़ी की रूफ डैम्पिंग के लिए। इसकी जो थिकनेस है यहां पर आप देख सकते हो ये 8 mm थिक है, 4-4 mm की दो शीट आपस में पेस्टेड है इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो, और ये मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी हार्ड फोम है, ये सॉफ्ट वाला नहीं है थोड़ा हार्ड है तभी ये साउंड एब्जॉर्ब करेगा। और इसे हम यहाँ पर गाड़ी की छत पे कैसे लगा सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा एक ग्लू वाला। लास्ट वीडियो के अंदर जो मेरी डैम्प वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने इसे वैसे नॉर्मल दिखाया नहीं था, बस फोटो डाल दी थी, बट अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये है फेविकॉल हीटेक्स, अगर आपको यूज करना है, अगर आपको डैम्पिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो ये ग्लू आपको यूज करना पड़ेगा। ये हीटेक्स है और ये हीट प्रूफ है, क्योंकि हम सभी को पता है कि छत जो है सबसे ज्यादा हीट होती है गर्मियों में, तो ये हीट में जो है ये ग्लू छूटेगा नहीं। और ये मेरे को पड़ा था 115 रुपए का, यहाँ पर आप इसकी एमआरपी देख सकते हो, एग्जैक्ट एमआरपी वही मिला मेरे को। ये इसकी बात करें तो ये मैं लेकर आया हूँ 1 मीटर, और ये 1 मीटर मेरे को पड़ी थी 70 रुपीज की, तो आप हिसाब लगा लो 70 रुपए और 115 रुपए, तो ये ऑलमोस्ट 185 रुपए के आसपास का ये सामान पड़ा था मेरे को। बस इतना ही मैं दुकान से कहीं से परचेस करके लाया हूँ, बस इतने से ही हमारा जो काम है वो हो जाएगा डैम्पिंग वाला। तो अब स्टार्ट करते हैं डैम्पिंग को। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा कि हम जो ये छत है ये वाली इसे नापना है कि ये शीट जो है इस छत पे कितनी लगेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रंट से, ये जो फ्रंट का एरिया दो पार्ट में डिवाइड है, ये बीच में एक पैनल लगा हुआ है, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसे नाप लेंगे। तो मैं इसे जरा खोल लेता हूँ एक बार, तो ये खोल लिया है और ये आप देख सकते हो शीट अच्छी खासी चौड़ी शीट है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जहां तक मेरा अंदाजा है ये आराम से पूरी शीट उस पर लग जाएगा 1 मीटर पूरी छत पे, तो आप अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो सबसे पहला काम है छत पे जस्ट हमें इसे नाप लेना है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये देखो ये प्रॉपर नाप आ रहा है इसका। तो ये नापने के बाद जस्ट इसे कट कर लेना है, तो ये नाप लिया है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमने ये प्रॉपर साइज जो है इसका कट कर लिया है। अब बारी है इस पर ग्लू लगाने की, यहाँ पर इसके जो अपोजिट साइड है इसको ग्लू लगा के और इस पर पेस्ट कर देना है। और आप यहाँ पर ये साइडें देख सकते हो, ये साइड जो है इसमें गैप है, तो इसके अंदर हम ये शीट जो है ये आराम से कुछ इस टाइप से फंसा देंगे, तो ये जो शीट है साइड से निकलेगी भी नहीं। तो ये जरा काम मैं पहले ग्लू लगाता हूँ इस पर, उसके बाद इसे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक हिस्से में लगा दी है, ये देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, और सेकंड वाला भी खाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा साउंड डिफरेंस दिखाता हूँ अगर ये मेरे फोन में कैप्चर कर पाए तो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मैंने ऊपर से इधर से मार रहा हूं, तो और अब देखो जहां पर मैंने नहीं लगाया, और यहां देखो यहाँ पर आप साउंड का डिफरेंस जो है वो अपने आप चेकआउट कर सकते हो। अब बारी है सेकंड वाले की, तो इसे भी लगाते हैं।
बस ये अलाइनमेंट करके जितना भी ये फोम है ये आप यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में जो देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, उसके बाद अब जो है अब आपको बस थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना है इस पर, वो फेविकोल ईटेक्स है और ये काम जो है आगे होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो अब ये मैं लगाता जाऊँगा और ये धीरे धीरे करके चिपकता जाएगा, क्योंकि एकदम से अगर आप सारा लगा दोगे तो फिर आगे दिक्कत ही आएगी और ये पूरा लगेगा भी नहीं प्रॉपर। तो थोड़ा सा लगा के फिर धीरे धीरे करके थोड़ा 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 लगा के फिर इसे चिपकाते जाना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बस अब यहाँ पर इस एरिया में ग्लू लगाना रह गया, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पार्ट बच जाए तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा पीस कट करके लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये गैप बचा हुआ है, तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा पीस कट करेंगे और यहाँ लगा देंगे इतने एरिया में, तो ये भी हमारा जो काम है कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब जरा इस एरिया में ग्लू लगाते हैं और इसे कम्प्लीट करते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उस पर लगाने की, तो इसे जरा कट कर लेते हैं जितना पार्ट हमें जरूरी है। तो एक बार यहाँ से नाप लेंगे कुछ इस टाइप से, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। तो ये पीस हमने कट कर लिया है और एक बार जस्ट हम इसे लगा के देख लेंगे कि प्रॉपर लग रहा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रॉपर लग गया है, ठीक है। बस अब इस पर ग्लू लगा देंगे। ये आपका ठीक ठाक लगेगा, ठीक ठाक क्वांटिटी में। बस इतना लगा के जस्ट अंदर की तरफ पुश कर देना, ये अंदर जो गैप बना हुआ था। और अब जरा इसे बस यहां से चिपका दो, जो ये खाली बचता है इसमें और लगा देंगे बस कुछ इस टाइप से, और इसे चिपकाते जाएंगे। ये वाला अभी ये गीला है इसलिए उतरेगा, आप जस्ट इसे एक बार लगा के उसके बाद छोड़ देना, तो जैसे ये सूखेगा वैसे ये चिपक जाएगा। कुछ इस टाइप से, तो ये रह गया। कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो डैम्पिंग का काम था, रूफ डैम्पिंग का, जो हमें छत डैम्प करनी थी, वो काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉपर फोम जो है ये मैं लगा चुका हूँ। और जो एक मीटर में फोम लेकर आया था 70 रुपये का, वो मैं मतलब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो साइडें ये आप देख सकते हो, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत फोम जो है वो लगा दिया है, ताकि एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए। तो इसलिए मेरे फिर मैंने इसके जो साइड हैं उसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद ये आप देख सकते हो प्रॉपर जो है बढ़िया तरीके से एकदम फिक्स हो गया है, क्योंकि मैंने जो इस पर फेविकॉल था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लगाया है। तो जब भी आप डैम्प करो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फेविकॉल यूज़ करो। तो ये थी रूफ डैम्पिंग की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर